चरित्रोपाख्यान, चरित्र करैक्टर, उपाख्यान उप आख्यान, थोड़ा जहा शुद्ध पढ़िया करो। असी की कहने चित्रो पाख्यान, पाख्यान वखरा कहने, नहीं वो जरा वो लगे ना चरित्रो ते वह ऊड़ा है। चरित्र उपाख्यान, उप आख आख्यान के अंदर कथा कहानी, उप आख्यान छोटी लघु कथा, चरित्र उपाख्यान ये कैसी रचना होती है जिसे एक बड़ी कहानी हो घड़ी में उस वड्डी कहानी में छोटिया छोटिया कहानियां फिट कीतियां, एक बड़ी कहानी वो छोटिया छोटिया कथावां। हुण ये वड्डी कहानी ये छोटिया कथावां तो मैं सारियां ने, वड्डी कहानी की है उन्हें समझण की लोड़ है। वड्डी कहानी यह वे पहला तो मैंने चार भाग ने, असी तो इवें निंदे करी जाने चार भागों में वंडी हुई है चरित्रोपाख्यान। पहले भाग में की है, पहले भाग में नारी की उस्ती है, इसत्री किन्नी उची है ये पहले भाग दस्या है, उनू तलवार उनू कटार। और क्या गया है कि जदों इंद्र राज छड़ के भज गया सी, दैता नू तू मारिया ते दैता दा नाश करके तू राज फिर किनू दे दिता है, इंद्र नू दे दिता है। मैं पढ़ा थोड़ा जहा, तू ही खड़ग धारा तू ही बाढ़ वाली बुटन वाली है, खड़ग की धार है तू, नारी नू कहा जा रहा है देवी नू नहीं। तू ही तीर तलवार काती कटारी, तू तीर है तू तलवार है, तू तो कैंची वांग कटन वाली है, तू कटारी है, समाज दी बुराइयां नू नष्ट करन वाली तू, इन्ने शस्त्रां दा रूप है, हलबी जुनबी मगर भी तू ही है तलवारां दे प्रकार। फिर कहंदे निहारो जहां आप ठाडी रही है, जिधर वेखदा तेरा ही प्रताप पसरिया होया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का यह सैकंड उद्देश है युद्ध का चा पैदा करना। पहला उद्देश स्त्री का उत्थान, नारी का उत्थान, ध्यान देना। आत्मकथा विचित्र नाटक लिखिया, कह लगे उन्हें अवतार कथावां पूरियां करनिया ने, पर कहते पहला चंडी चरित्र लिखने ने। क्यों? क्योंकि पहली समस्या है जिहड़ा स्त्री का डिग्गिया हुआ रुतबा है इसनों उच्चे चुकना है। पहला चंडी चरित्र लिखे ने, नारी नू उच्चा चुकना है, क्योंकि जे ये दबी कुचली रही ये पैर की जुत्ती रही तो एक सन्मान योग सोसायटी नहीं क्रिएट की जा सकती, एक गौरवशाली समाज नहीं बन सकता जदों तक स्त्री पैर की जुत्ती है। वो जिहड़ा पैर की जुत्ती ते गुत पिछे मत है इहदी, वो जिहड़ियां लगे हुए कलंक सन धोण वास्ते उहनां कहा पहला, क्योंकि जिहड़ा देवी है ना देवी दूवी कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन स्त्री है। देवी कौन है? डिवाइन औरत, डिवाइन वूमेन देवी है दसम ग्रंथी, कोई काली पुरी देवी नहीं है, देवी है कि डिवाइन औरत। ते उस डिवाइन औरत लई उहदे पहला चरित्र लिखे, चंडी चरित्र लिखे, कैसी बलवान है, पुरुष नू राज देण वाली है। वार वार तीन वार इको कथा नू किया है उक्ती बिला चुकया, अगले चंडे चित्र च फिर चंडी की वार चुकया। की मैसेज दिता? बंदा दौड़ गया, इंद्र वर्गा बंदा दौड़ गया राज छड़ के। राज सिंघासन ते उसनू किसने बिठाया? औरत ने बिठाया। बंदे नू राज सत्ता देने वाली कौन है? औरत। एक ते उहदा त्याग देखो, गद्दी ते आप नहीं जा बैठी, गद्दी खोई है उसने राक्षसों तो, परंतु गद्दी ते पुरुष नू बिठाया है। वो कहते वो तेरा जरा मान सम्मान समाज दे विच है ना, वो किदे करके है? मां करके है, स्त्री करके है। तेरे जीवन की निर्माता कौन है? स्त्री है। पंड जमी है, पंड रिमी है, पंड मंगण हुआ पंडो हो दोस्ती पंडो चलै रहा, पंड मूआ पंड भाली है, पंड हो बंदान सो क्यों बंदा आखी है जित जमे राजा। अगे कहते तू ही जोग माया तू ही बाख बानी, जिहड़ा ये ज्ञान उचरन वाली है ये भी तू ही है, तू कली तलवार थोड़ी है, तेरे जिहड़े बोल ने ये भी तू ही। आप रूपा तू ही श्री भवानी, तू ही बिशन तू ब्रह्म तू रुद्र राजा, तू ही विश्व माता सदा जय विराजा। ये सदा जय किदी है? ये नारी की जय है। रासलीला कृष्ण अवतार दी है,
रासलीला विच कृष्ण ते गोपियां दे खेल ने ओ कथा दा हिस्सा है। जे कृष्ण अवतार लिखना है तो वह रासलीला ने आना ही आना सी और उसनू बड़े परफेक्शन नाल गुरु साहब ने लिखा है। वो जितनी सुंदरता जितनी ब्यूटी उहदे विच है क्योंकि गोपियां इस्त्रियां नहीं रह जांदियां, गोपियां किते राग बन जांदियां ने, किते रागनियां बन जांदियां, संगीत बन जांदियां ने, उहदे आत्मा बन जांदियां ने। गोपियां कोई फिजिकल वह नहीं रह जांदियां। इतने सुंदर गीत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने रचे हुए ने, इतना शिंगार रसी कविता रची हुई है कि वह पढ़ के ही पता लगता है कि कितनी उच्ची कविता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा सी कि जदों नारी दा कामुक तस्वीर गोपियां दे रूप विच आउणा सी उस तों पहला देवी उस्तत ला दी है, स्त्री दी उस्तत, स्त्री दा रुतबा ना डिग जावे। इस तरह चरित्र उपाख्यान विच जदों कथावां आउणियां सन काम दियां ते उहदे विच स्त्री जिहड़ी सी उहदी तस्वीर विगड़ सकदी सी, इस करके महाराज जी ने जिहड़े बचन तुहानूं सुनाए ने इह पहला लाल जे कि मैं नारी दा निरादर नहीं करना। ये जी बाणी है ये नारी नू थले सुटन वास्ते नहीं है, नारी नू उच्चा चुकन वास्ते है। ये सानू अज कहते ने ना इहदे विच इस्त्री की बड़ी निंदा की गई है, इहदे विच इस्त्री की किथे निंदा की गई है, इत्थे ते समाज की जिहड़ी भैड़ी विवस्था है उहदा जिक्र किया गया है।